हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 23 तारीख है और आज निफ्टी पे मैं अपना व्यू लेके आया हूँ। 24 के लिए क्या रहेगा, निफ्टी कैसा रहेगा आज देखेंगे। तो निफ्टी में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली होगी और निफ्टी 146 पे आज की क्लोजिंग दिया है। 100 पॉइंट के लगभग 98.45 पॉइंट का गिरावट इसमें देखने को मिला है। अगर इसमें एडवांसेस देखें तो 22 शेयर एडवांस में और 28 शेयर डिक्लाइन में गिर के बंद हुए हैं। तो आज मार्केट में थोड़ी तो थी। कल मैंने आपको बताया था कि 10 110 का सपोर्ट लेवल है जो तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। नीचे तो गया था ये 102, बट ये इसको तोड़ा नहीं। क्लोजिंग बेसिस पे देखे तो आप इसको उसको सपोर्ट किया और ये एक्सपेक्टेशन मेरा है कल के लिए भी कि इसको इतना जल्दी नहीं तोड़ेगा। तोड़ेगा अभी मुझे नहीं लगता कि 10,000 अभी टूटेगा। ठीक है, आज एक बार 102 दिखाया तो हो सकता है कि कल आपको 10,000 तो 50 तक जाइए, लेकिन फिर भी कल का जो रहेगा मार्केट मुझे तो पॉजिटिव दिखता है। कल का मार्केट तो 10,050 मुझे लगता है कि एक बार उसको दिखा सकता है ओपनिंग निगेटिव ओपन होकर के, फिर सेकंड हाफ में पॉजिटिव ले लेगा। चलिए धीरे धीरे बढ़ते कैसे वो कंक्लूजन पे हम जाते हैं। तो आज के जो गेनर है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडिया बुल हाउसिंग, HDFC, इंडसलैंड बैंक और यस बैंक। जो देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 4.5%, इंडिया बुल ने 3.62, HDFC ने 2.04 और इंडसलैंड बैंक ने 1.88 और यस बैंक ने 1.70% इसका गेन दिखाया। उसी तरह लूजर्स जो मेन लूजर्स हैं सन फार्मा, एशियन पेंट, विप्रो, अल्ट्रा ट्रेक और ग्रासिम। सीमेंट में तो आपको कमजोरी लास्ट 3 4 दिनों से देखने को आ ही रही है, तो ये स्टिल अभी कंटिन्यू है। अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करूँ तो सारे इंडेक्स आपको सब में गिरावट देखने को मिली होगी। निफ्टी 50 है, निफ्टी ऐप जितने भी देखेंगे सब में आपको गिरावट देखेंगे, स्मॉल कैप में भी और निफ्टी 500 में भी, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, सब में आपको इस यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात बताता हूँ, जो अच्छी बातें हैं वो जरूर बताना चाहिए। ये जो विक्स जो था जो 21 तक चला गया था, अब ये 10 पे है, विक्स डाउन हुआ है, इसका मतलब निफ्टी अप जाएगा। अगर ये 10% का चेंज हुआ है, आप समझिए, जो कि 21 और 22 पे था, लो 18 तक गया था, वापस ऊपर जाकर के 19 पे क्लोज हुआ। तो अगर कल की क्लोजिंग देखें तो 21.35 पे था और आज जब देखें तो ये 19 पे है, तो मतलब कि थोड़ी सी रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है जो कल आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगी और ये वापस कल 10 200 ट्राई करेगा। अभी देखिए मेन में इसमें देखें तो गिरावट सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी बैंक 0.42 की गिरावट, ऑटो में 0.59 की गिरावट, निफ्टी आईटी में सबसे ज़्यादा 2.82 की गिरावट, निफ्टी मीडिया में 1.84 लग, कंटिन्यूस मीडिया सेक्टर गिर रहा है। फर्मा में आज अच्छी गिरावट 2.89% के देखने को मिली आपको और पीयूसी बैंक में 1.57 का तो मिला ही आपको, तो पीयूसी बैंक में भी अच्छा खासा आपको गिरावट तो देखने को मिल ही रहा है, तो वो कंटिन्यू है। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप रियल्टी सेक्टर में थोड़ा सा गेन दिखाया था आज। अगर मैं इसी निफ्टी 50 की अगर मैं शेयर में देखूँ निफ्टी 50 में क्या रहा, तो आप देखेंगे 22 एडवांसेस हैं और डिक्लाइन 28 है। इसमें से जो गेन दिया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने, आपने देखिए यहाँ पे 9 पॉइंट का गेन दिया है, 4% का। इंडिया बुल ने 25 पॉइंट का, 3.62। HDFC ने 33 पॉइंट का, 2.04। और इंडसलैंड बैंक ने जो अच्छी खासी गिरावट आपने को देखने को मिल रही थी वहाँ से आज रिकवरी लिया इसने और ये अपने जो 52 वीक लो है 1421 के उसके आसपास से वहाँ से रिकवरी लिया इसने, तो अच्छी खासी रिकवरी इसमें। बजाज ऑटो में भी देखेंगे ये अपने 2480 जो लो था वहाँ के आसपास ही, नियरेस्ट लो 2526 है, वहाँ से अप लिया 31 पॉइंट। तो इन सबों में थोड़ी सी रिकवरी थी और बजाज फाइनेंस में भी 19 पॉइंट की रिकवरी थी। और अगर लूजर में देखें तो आज मारुति देखिए 27 पॉइंट, मारुति में एक बड़ी वीकनेस लगती है बन चुकी है। 6800 का जो इसने लेवल तोड़ा वो अच्छा नहीं था, तो इनफैक्ट 7000 का तोड़ा था तभी अच्छा नहीं दिख रहा था, बट अब ये लगता है कि नए 52 वीक लो को जो बना सकता है ये। और आज का लो देखेंगे आप तो 661 था ही, 6666 था, तो ये एक नए लो को जो कि 6300 पहले 6500 फिर 6300 फिर 6141 की ओर, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो दे चुका हूँ मारुति पे, तो आप देख सकते हैं उसको। आयसर मोटर में थोड़ी गिरावट आपने देखने को मिली आपको, 125 पॉइंट का 0.56 है। फिर हिंदुस्तान यूनिलिवर में 22 पॉइंट गिरा है। फिर आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी 38 पॉइंट, बजाज फिंजर 83 पॉइंट गिरा है। और इसी तरह TCS अकाउंट पर, TCS में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और TCS में भी गिरावट आपको देखने को अभी कंटिन्यू मिल सकती है।
ये हो सकता है अपने 52 वीक लो को 1711 को वापस टच करे और वहां से भी नीचे जाने की दमकम रखता है। ग्रासिम में तो आप देख रहे हैं नया लो पे लो बनाया जा रहा है, डेली एक नया लो बना रहा है ग्रासिम। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी देख रहे हैं आप गिरावट तो चालू ही है और ये भी नया पे लो बना रहा है। तो ये सब कुछ अच्छे खासे एशियन पेंट में 57 पॉइंट की गिरावट 4% की है, सन फार्मा में 30.4.95 की है। तो ये सब गिरावट देखने को आपको मिली है। इस अभी तक अपने SGX निफ्टी भी आज के देखें तो आज SGX निफ्टी जो दिखा रहा है ये 10156 लो बना करके ये अप की ओर दिखा रहा है, तो रिकवरी 156 से ऊपर की ओर दिखा रहा है, लेकिन निगेटिव 81 पॉइंट दिखा रहा है, 81 पॉइंट का फॉल दिखा रहा है। और इंडेसेस की बात करें तो आप इंडिसेस देखिए, जो फ्यूचर इंडिसेस है डॉ का 391 पॉइंट डाउन बता रहा है और पांच जो यहाँ पे S&P 500 है 40 पॉइंट डाउन बता रहा है। तो यहाँ पे भी ठीक है, थोड़ी गिरावट ही देखने को मिल रही है अपने को यहाँ पे। और विक्स जो है यहाँ पे 18.5 प्लस में दिखा रहा है, यहाँ पे जो फ्यूचर की विक्स है वो प्लस में दिखा रहा है, गेन दिखा रहा है। तो ये प्रेडिक्शन अगर ये प्लस में है तो मार्केट गिरेगा। अब अगर हम यहाँ क्रूड की बात करें, कॉमोडिटी में क्रूड की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेंट क्रूड में गिरावट है 78.16, जो कि अच्छा है, अगर ये गिर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन गिर तो ये बहुत दिन से रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा, फिर भी ये ऊपर की ओर ले नहीं रहा है। और अगर फॉरेक्स की बात करें, फॉरेक्स में जाएं तो आप देखेंगे US डॉलर जो INR है इसमें रुपये में कमजोरी है और ये 73.54 है, ये अच्छा नहीं है अपने लिए। अगर रुपये मजबूत होता तो और अच्छा रहता रुपया, तो यहाँ पे कमजोरी दिख रहा है 73.54। ये एक बार अगर 74 क्रॉस करता है इस बार तो हो सकता है 76 की ओर वापस निकल जाइए, तो फिर वो टफ पोजीशन रहेगा, देखते हैं कैसा चलता है ये। तो मार्केट में एक फिर से यहाँ पे गिरावट, ये अगर यहाँ से जाकर के देख फ्यूचर की ओर देखें तो यहाँ से एक गिरावट लगता है, गिरावट तो दिख सकता है। अगर मैं इसको चार्ट पे जाकर के देखूँ तो चार्ट पे क्या दिखता है ये कि अगर ये मैं इसका डेली का चार्ट देखूँ तो डेली का जो चार्ट बता रहा है वो ये देखिए, आप यहाँ से गिरना चालू हुआ था और यहाँ से आप देखेंगे ये पहले एक नया लो बनाया, ये 17 तारीख को जो लो बनाया ये बनाया 10436 का, उसके बाद बनाया 10249 का, उसके बाद बनाया 10224 का और आज एक फिर से एक नया लो बनाया है 10102 का, बट क्लोजिंग 146 पे दिया। ये चार्ट किस के अनुसार देखिए तो ये तो यहाँ से फॉल का सिग्नल है, चार्ट की परिभाषा को समझे तो यहाँ से फॉल का सिग्नल ये देता है, ये इंडिसिसिव डिसीजन टाइप का दे रहा है, डोजी कैंडल बना है जो दोनों साइड एंगल है, तो यहाँ से एक फॉल की सिग्नल आ रही है कि यहाँ से नीचे दिखावट हो सकता है। लेकिन मैं इसका सपोर्ट बताऊँ तो आपको दो सपोर्ट है जो देखना जरूरी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10108 जो कल 10110 आपको बोला था वो और 10050 ये एक सपोर्ट लेवल है, अगर इसको किसी भी तरह से ब्रेक करता है तो फिर ये अच्छा खासा फॉल दिखा सकता है। और मैंने आपको बताया था जब जो कि यहाँ पे देखिए 9251 जो बता रहा है तो 10251 जो सब बोल रहा है जाएगा जाएगा, फिर वहाँ पे भी जाने को टच कर सकता है। तो एक नेगेटिव इंडिकेशन तो है, बट जब तक ये 10000 को होल्ड करके रखा ये ऊपर ही और जाएगा, और कल का जो मार्केट है जो अपना प्रेडिक्शन है वो ऊपर ही रहेगा। कल का भले आपको यहाँ पे देखिए इंडिसेस यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखा रहे हैं, इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि कल चांसेस है मार्केट थोड़ा अप हो सकता है, लोअर ले और फिर वो 10050 से अप ले ले और वो फिर 10200 के आसपास जाए, तो कल का मार्केट हो सकता है पॉजिटिव हो, कल 10200 की कॉल में आपको फायदा हो सकता है। तो 10200 की कॉल को आप देखें, वॉच करें, वॉच लिस्ट में रखें तो शायद आपको फायदा होगा कल का। कैसे ये बता रहा हूँ तो मैं आपको एक बार इसके पुट कॉल को लेके चलते हैं, निफ्टी के पुट कॉल को लेते हैं। ये निफ्टी का पुट कॉल है 23 तारीख का है, ये देखेंगे पुट्स है ये कॉल है। तो अभी आपको क्या दिखेगा यहाँ पे देखिए 10200 पे यहाँ पे अंडर राइटिंग हो रहा है और 22 लाख बचा और ये 10050 पे जाकर के एडिशन हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 4,52,000 है। तो 9900 पे सबसे ज़्यादा एडिशन 4,86,000 का हुआ, 21,22,000। तो जो अब रेंज बन के आ रहा है वो 9900 पे बन रहा है और 9900 से अगर आप हाईएस्ट की ओर देखें तो वापस ये यहाँ पे 10400 दिख रहा है। तो इतना बड़ा रेंज है 9900 से 10400 का, लेकिन इसको भी छोटा रेंज कर देते हैं
तो यह 10-200 पे सबसे ज्यादा 14 लाख कॉल का एडिशन हुआ है आज के डेट में। तो लोग अब सब यहाँ पे ही प्रडिक्शन कर रहे हैं कि अब 10-200 का कॉल एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन रहेगा, इसके लिए सपोर्ट नहीं रहेगा, रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो 10-200 पे बहुत बड़ा इसको ये आएगा, ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस आएगा, एक बहुत 10-200 का रेजिस्टेंस बन चुका है। और 22 लाख शेयर भी हो गया यहाँ पे, तो 10-400 तो उसके बाद जाएगा, पहले 10-200 तो क्रॉस कर लीजिए। तो 9-900 से 10-200, और इससे छोटा लेवल करें तो 10,050 से 10-200 के बीच में मार्केट आने की संभावना है। आयदा 10, अगर 10,050 जाएगा और 10,200 इसी बीच में मार्केट हो सकता है, आपको एक घुमाते रह जाए आपको मार्केट, और वो एक्सपायरी भी दे दे आपको। तो 10-200 के कॉल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 14 लाख आज ऐड हुआ है, इसलिए मैं मुझे लग रहा है कि जो यहाँ से दिख रहा है वो कॉल की ओर जाने की संभावना दिखती है। नीचे की ओर देखें तो पुट में हर जगह अंडर राइटिंग हुई है, और 10-100 से सारे और निगेटिव दिख रहा है, 10-150 में खाली एडिशन हुआ है, और 10-200 पे अब देखेंगे तो यहाँ पे भी अंडर राइटिंग हुआ है 11 लाख शेयर का। मतलब पुट में भी अब जो बिलीव है वो 10-200 पे नहीं होकर के 10,050 पे एडिशन हो रहा है, या फिर 9-900 पे हो रहा है, बाकी जगह आपको यहाँ पे विड्रॉ ही हो रहा है। तो या तो लोग 9-900 पे जा रहे हैं या 10,050 पे जा रहे हैं, यही जो रेंज आपको बताया था 10,050 से 10,200 यही रेंज रहेगा। और मेरा पॉजिटिव व्यू है इसमें, मैं आप लेके चल सकते हैं। एक बार हो सकता है कल आपको शुरुआती मार्केट में निगेटिव दिखाए, बट आगे जा करके ये 10,200 पे क्लोजिंग दे सकता है, तो कल आपको दोनों साइड देखने को मिल सकता है। और अगर विक्स वोलाटाइल रहा तो आपको हो सकता है वो भी फायदा दिखा दे, विक्स भी दिखा दे। अगर विक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 1.40 का वोलेटिलिटी दिखा रहा है ये, तो देखते हैं एग्जैक्ट में क्या रहता है, ये कितना परसेंट वोलेटिलिटी दिखाता है, ये 1.60 के दिखा रहा है, तो 18 के आसपास भी रहा था ये, 18 के आसपास भी रहा था ये, आपको कम वोलेटिलिटी दिखेगा कंपेयर टू 20 और 21। तो आप एक चांस ले सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे यूएसए मार्केट जो बता रहा है, देखिए 400, अभी 393 था, 400 पॉइंट गिर गया, तो ये जो दिखा रहा है जैसे जैसे ये बढ़ रहा है पॉइंट, तो ऐसे ऐसे डरा तो रहा है कि मार्केट हो सकता है कि कल अच्छी खासी गिरावट के साथ खुलने को मिले। और अगर गिरावट 10,000 ब्रेक करके ओपन होता है तो फिर 9-200 की जो बात चल रही थी वो श्योर हो जाएगी कि 9-200 उसको जा सकता है। तो आप दो तरीके से इसको स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप कॉल पुट पे देखें तो दो स्ट्रेटजी ले सकते हैं आप। आप एक काम कर सकते हैं, इसको 9-900 का भी जो खरीद सकते हैं, 9 रुपया 65 पैसे पे है, इसके पुट को ले सकते हैं, और 10-100 का आप इसको कॉल को ले सकते हैं, या 10-200 का कॉल ले लीजिए। तो अगर ऊपर साइड जाता है तो ये 10-200 का कॉल आपके लिए फायदेमंद रहेगा जो कि 63 रुपये पे है, और अगर नीचे की ओर जाता है तो 9-900 का पुट फायदेमंद रहेगा जो कि 9 रुपये पे है। तो दोनों साइड आप इस स्ट्रेटजी बना के रख लीजिए। आपको मैं कोई शॉर्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो फ्यूचर की मनी ब्लॉक हो जाएगी, अदरवाइज आप ज़्यादा ही मनी ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। तो बेहतर मुझे ये लग रहा है, या आपको अगर वैसा नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10,400 जो कि अब तो जाना मुश्किल दिखता है, अच्छे ऑलरेडी ये बहुत टूट चुका है, तो उसको शॉर्ट करके कोई फायदा नहीं है, और इसमें मनी भी ओपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा फंस जाएगा। तो आप ऐसा ही कर सकते हैं कि आप 10-200 का आप कॉल ले लें और 10-900 का पुट ले लें, ये लेके आप पोजिशन पर बनाए रहें, आपको फायदा देगा ही देगा, श्योरिटी जिधर भी मार्केट जाएगा कोई इशू नहीं पड़ेगा। लेकिन कल मेरा बिलीव है कि नीचे जाएगा, ओपन नीचे होगा, लेकिन 10,000 नहीं तोड़ेगा। अगर 10,000 टूटता है किसी भी रीजन से तो 9,750 पे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9,750 पे एडिशन हो रहा है, 9,700 पे 1,66,000, यहाँ तक तो फिर हो सकता है फिसल जाए, कल ही आपको दिखा दे। ऐसा भी हो सकता है कल 200-250 पॉइंट फिर टूट जाए, तो होना नहीं चाहिए वैसा। मेरे अंदाज से 10,000 पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है इसका, तोड़ना नहीं चाहिए इसको, 36 लाख का सबसे ज़्यादा पुट है, तो यहाँ सपोर्ट है 10,000 पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है इसको, 36 लाख का आप देखिए ओपन इंटरेस्ट है, और ज़्यादा इसमें कोई अनवाइंडिंग भी नहीं हुआ, सिर्फ 14 लाख का हुआ है, वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा इसमें हुआ है। तो 10,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इधर, और यहाँ पे 36 लाख देखेंगे, और 10-200 पे देखेंगे तो यहाँ पे 22 लाख का है, तो यही रेंज पे ये, और 10-400 पे 35 लाख का है। तो आप रेंज बोले तो 10,000 से 10,400 जैसे मैंने आपको बताया उसी रेंज में होगा, लेकिन 10,000 से 10,200 पहले क्रॉस करने दीजिए, फिर 10,400 ऊपर की ओर जाएगा। तो जो अपना रेंज है वो 10,000 से 10,200 के बीच में है। ये सारे पेपर ट्रेडिंग के लिए है, आपको देखना है तो कॉल पुट लेकर के जो भी करना है पेपर ट्रेडिंग के थ्रू करें, और ये सारे एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाया गया हुआ है। आपको अगर इस पर कोई पोजिशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज्ञान बात करने के बाद और ज्ञान लेने के बाद ही बनाना है,
उनके बिना कंफर्मेशन के आपको कोई भी पोजीशन डायरेक्ट मार्केट में मत बनाइए, अच्छा खासा लॉस हो सकता है आपको, क्योंकि आपको उसका नहीं, कब आपको बाहर एग्जिट होना, आप निकल नहीं पाएंगे तो फंस जाएंगे उसमें। तो उनसे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पोजीशन बनाइए आप अपने। पेपर ट्रेडिंग के लिए सीखने के लिए आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें। जितना फॉरवर्ड करेंगे उतने अच्छे हमारे लिए, और हम आपके लिए उतने ही नए नए वीडियो बना के लाते रहेंगे। धन्यवाद।